करनाल में हुए किसान प्रदर्शन के बाद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस और समूचे विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि वे जनता के आशीर्वाद से चार बार सांसद चुने गए। उन्होंने कई बार छोटे और मझले किसानों की दशा को भारत की संसद में भी उठाया। किसान कोई भी अपने घर का बड़ा काम कर ले, लेकिन उसका कर्ज उतरता नहीं था। इस दशा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि के तीन नए कानूनों को लाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इन कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह करने पर तुला हुआ है। कि भी कोई छोटा किसान, बड़ा किसान, मंझला किसान कोई एक काम कर ले, अपने लड़के लड़की की शादी कर ले, कोई ट्रैक्टर ले ले, कोई मकान बना ले, को बच्चे ना अच्छा पढ़ा ले, डॉक्टर बना ले, इंजीनियर बना, अच्छा पढ़ा ले, उसका कर्ज टूटता नहीं था। ये बात मैंने पार्लियामेंट में बोली हुई, कहो दागे मैं अपने प्रोसीडिंग निकाल करके आपको दे दूंगा। लेकिन मोदी जी ने ये सोच रखते हुए कि किसान की आमदन को मैं कैसे बढ़ाऊँ, कैसे उसको दुगुना करूँ, एक दिल में सोच थी। अलग अलग तरह की कई योजनाएँ दी किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि योजना, बीम फसल बीमा योजना, सॉइल टेस्टिंग, देयर इज प्लेंटी ऑफ योजनाएं कि किसानों की आमदन को मैं कैसे दुगना करूं, इसी के तहत में तीनों कानून लेकर के आए गए। साथ ही बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि वे कांग्रेस में भी रहे हैं, लेकिन आज वे कांग्रेस से सवाल पूछना चाहते हैं, इतने लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद भी किसान आंदोलन पर क्यों बैठे हुए हैं। अगर समय रहते कांग्रेस ने किसानों की सुध ली होती तो आज किसानों की दयनीय स्थिति ना होती। उन्होंने खुलकर कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस खड़ी है। ये सारा गेम विपक्ष का गेम, विपक्ष में भी आप देखोगे कांग्रेस इसमें सबसे मजबूती के साथ पार्ट प्ले कर रही, और भी सारा विपक्ष का गेम है। जबकि आप इतने साल रहने के बावजूद भी आज किसान अगर धरने पर बैठा है, इतने साल बावजूद रहने के बावजूद भी आपने किसानों के लिए करा क्या, किसानों के लिए क्या किया? अरे अगर किसानों के लिए आप करते तो ये नौबत ही नहीं आती। अब जब कोई करने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जब करने जा रहा है तो उसमें रुकावट डालो, उनको गुमराह करो, उनको विचलित करो कि भी आपके कानून ठीक नहीं है। हरियाणा में सत्ता और विपक्ष किसानों के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। अब देखना होगा कब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। रोहतक से टोटल न्यूज के लिए देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।